और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने नैमिषारण्य सीतापुर पहुंचकर ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वे लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। शाम को सीएम भजनलाल सीतापुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को में भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेमेश शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नेमेश, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने नैमिषारण्य सीतापुर पहुंचकर ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है। आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम के? श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि यहां से सीधे वो एनके पैलेस बाईपास सीतापुर में पहुंचेंगे और वहां पर एक जो है बहुत बड़ी लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें जो है 5 जो है सांसद क्षेत्र और 25 विधानसभा क्षेत्रों का बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसमें लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में रणनीति तय करेंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए और सारी सीटों पर अपना जो है परचम फहराया जाए। इसी को लेकर के बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही है। जिस प्रकार अन्य दलों के द्वारा लगातार मीटिंगें जारी हैं, उसी प्रकार भाजपा ने एक बहुत बड़ी मीटिंग सीतापुर जिले में एनके प्लेस एंड रिसोर्ट में रखी है, जिसका नेतृत्व भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम करने वाले हैं और वो लगभग वहां पर पहुंचने ही वाले हैं नैमिषारण्य तीर्थ से निकल करके। उसके बाद में एक जो है खैराबाद क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन भी करेंगे, उसमें भी जनता को वो अपनी जो है नीतियों के बारे में बताएंगे कि भाजपा ने किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है और कैसे चुनाव का जो है नीति तय करेंगे। जी निमेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।